दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैदा में क्या क्या पाया जाता है, मैदा की तासीर कैसी होती है, मैदा में कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों मैदा से बनी चीज हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। दोस्तों मैदा में फैटी एसिड पाया जाता है। मैदा का सेवन करने से एसिडिटी की समस्या हो सकती है। मैदा का सेवन करने से हड्डियाँ कमजोर होने लगती है। मैदा का सेवन करने से सूजन गठिया जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों मैदा में फाइबर नहीं होता है जिसके कारण इससे बनी चीजों का सेवन करने से पाचन क्रिया स्लो हो जाती है जिसके कारण लोगों को तनाव सिर दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैदा की तासीर जो होती है वो अम्लीय यानी एसिडिटिक होती है। इसके सेवन करने से पेट में जलन उल्टी अपच गैस एसिडिटी दस्त जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैदा से बनी चीजों का ज्यादा सेवन करने से बचना चाहिए। दोस्तों 100 ग्राम मैदा में जो कैलोरी की मात्रा होती है वो 364 कैलोरी होती है। 100 ग्राम मैदा में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 10 ग्राम होती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप खुश रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।